नेफई सर्किल के चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए 5 साल से फरार एक अभियुक्त का एनकाउंटर कर सफलता प्राप्त की है। इस एनकाउंटर को इटावा के SSP संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच से सत्येंद्र सिंह यादव व प्रभारी व SO चौबिया जीवाराम यादव ने अंजाम दिया। थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें एक ये बदमाश था जो 25,000 का इनामी था, गुड्डू उर्फ अजय इसका नाम है, और पिछले 5 साल से ये लगातार फरार चल रहा था। ये दुष्कर्म, एक 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का आरोपी ये क्रिमिनल था और इस पे 25,000 का इनाम भी था। आज जो है चेकिंग के दौरान इसकी सूचना भी थी और इसको जब रोकने का इशारा किया गया तो ये भागा, और साथ ही साथ ये पीछे गाड़ी देख सकते हैं जिस पे जिसने पुलिस की गाड़ी पे इसने फायर भी किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया और जवाबी कार्रवाई में इस 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, और ये गोली लगने के बाद में इसको इस चौबिया थाना क्षेत्र के ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है यहाँ पे जहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है। क्या कोई लोग घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, और किस तरह की क्या इंजरी रही? मामूली चोटें आई है, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस की जीप पे भी फायर किया गया है, उनको भी हम चेक करवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस घटना क्षेत्र से जो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ से ये 25,000 का इनामी बदमाश जो कि दुष्कर्म एवं हत्या के आरोप में पिछले 5 साल से वांछित चल रहा था, उसको पकड़ने में सफलता मिली है। और ऐसा सराहनीय कार्य करने वाली हमारी जो टीम है, स्वाट टीम और थाना चौबिया की टीम है, उनको भी 15,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की जा रही है। किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं पुलिस इटावा की, कि जो क्रिमिनल्स लगातार बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या एक वो है मैसेज? जैसा मैंने बताया, ये पिछले 5 साल से दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी था ये, और इस पे लगातार हमारी टीम काम भी कर रही थी, और आज जो है पुलिस मुठभेड़ में आज जाके इसको गिरफ्तार किया गया है। और आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस तरीके के जितने भी क्रिमिनल हैं उन पे लगातार पुलिस का अभियान चलता रहेगा, और अगर वो पुलिस पे फायर करते हैं तो जवाबी उनकी कार्रवाई भी की जाएगी, और इस तरीके से पूरे जनपद इटावा में कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ रखें। आरोपी की पहचान अजय उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है, जो जगन्नाथपुर थाना का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इटावा में पुलिस द्वारा एनकाउंटर करने के बाद पहली बार ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। इटावा से वरिष्ठ संवाददाता सुगर सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए अखंड भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।